बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। और कॉनिक सेक्शंस में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है लेंथ लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू आ सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल हमने जो है फाइंड करना है, यानी कि जिसको हम टेंजेंशियल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल डिस्टेंस। इसको हम फिगर से समझते हैं पहले। ठीक है, एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ ये एक हमारे पास सर्कल है, इसको एग्जैक्ट एक सर्कल की फॉर्म में ले आते हैं। ये हमारे पास सर्कल मौजूद है, और जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एक पॉइंट जो कि आउटसाइड द सर्कल लाए कर रहा है, सपोज़ ये पॉइंट पी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कह देते हैं कि सपोज़ कर लेते हैं X1 और Y1, इसके XY कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना था कि इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाए कर रहा है, ठीक है, वो जो है इसे दो सर्कल दो टेंजेंट्स जो हैं वो इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स बनेंगे इसके, मतलब कि एक टेंजेंट जो है इस तरह से होगा कि सर्कल को यहाँ पर टच कर रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आके, और इसी तरह से एक और टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, बल्कि इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। इस तरह से अगर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हम करें तो ये यहाँ से जो है इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ, चलें हम ट्राई करता हूँ मैं दोबारा से, कि ये अगर स्ट्रेट बन जाए तो, मतलब अगर मैं इस साइड से ड्रॉ करना चाहूँ तो शायद थोड़ी सी हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, इस तरह से ये दो टेंजेंट्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, एक इस पॉइंट पर टच कर रहा होगा, ठीक है, और इस एक इस पॉइंट पर टच कर रहा होगा। तो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लाइन और सर्कल के ये दो हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। उसके अलावा इस सर्कल का हम सेंटर भी देख लेते हैं। सेंटर सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है इधर लाए कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल जिसको हम ओ का नाम दे देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स के बनते हैं -c, -f, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -c होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है -f होगा। ये हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये टेंजेंट है हमारे पास, एक इसका नाम हम रख लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का हम नाम रख लेते हैं टी। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसका नाम हम रख लेते हैं एस। ठीक है, यानी कि पी टी जो है वो टेंजेंट लाइन है और पी एस भी टेंजेंट लाइन है, लेकिन पी पॉइंट से लेकर टी पॉइंट तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो टेंजेंशियल डिस्टेंस है। वो टेंजेंशियल डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो है इस टेंजेंट के ऊपर जो डिस्टेंस बनता है उसको हम टेंजेंट यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं टू द सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, जिसको हम टेंजेंशियल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास जो है ये दो टेंजेंट्स हैं और एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से आउटसाइड जो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है उससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। अब उसके हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के नाम हमने रख लिए, उसके अलावा हमने सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स भी अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रख लिए। अब हम कहेंगे कि अगर मैं इस टी पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसको मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दूँ तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि टी और ओ को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि
अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल टू द सर्कल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल टू द सर्कल क्या होता है कि इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, तो वो लाइन जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करती है, मतलब कि ये लाइन जो है वो नॉर्मल टू द सर्कल होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से भी पास करी है, दूसरा इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आ रही है, तो मतलब कि ये एंगल जो है वो ऑब्वियसली 90 डिग्रीज का बनेगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी टी लाइन और ओ टी लाइन जो है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था लेंथ ऑफ द टेंजेंट या फिर टेंजेंशियल डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द टेंजेंट या टेंजेंशियल डिस्टेंस को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो क्या है, पी से लेकर टी तक डिस्टेंस या फिर पी से लेकर एस तक डिस्टेंस, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से आ रहे हैं और एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, पी टी इज इक्वल टू पी एस होगा, पी टी इज इक्वल टू यानी कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एस होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने फाइंड तो एक भी नहीं किया, तो हम फाइंड आउट किस तरह से करें, ये फाइंड आउट हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं ये जो है सेंटर ऑफ द सर्कल और पॉइंट पी इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट लाइन से, इस तरह से मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, बल्कि इसको हम सिंगल लाइन बनाते हैं और स्ट्रेट कर लेते हैं, बल्कि हमें इसको अलहदा से बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हमारी फिगर थोड़ी अच्छी बन जाए, तो फिर हम समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी कि मैंने जो है पॉइंट पी और पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है ऑफ सर्कल, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास जो है बन रही है, इसको मज़ीद हम पॉइंट तक ले आते हैं, इस तरह से, ठीक है, पॉइंट पी और पॉइंट ओ को मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इसको ज्वाइन करके हमें क्या मिला, हमारे सामने क्या आया, देखें आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुकी है, मतलब कि इसमें एक 90 डिग्री है, बाकी दो ये एंगल्स जितने भी हैं उससे हमें कंसर्न नहीं है अभी, ठीक है, तो ये थ्री साइडेड डायग्राम हमारे पास आ चुकी है, थ्री साइडेड शेप हमारे पास आ चुकी है जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्रीज का एंगल भी मौजूद है, तो 90 डिग्रीज का एंगल भी मौजूद है। अब ये जो लाइन है पी टी ये हमें रिक्वायर्ड है, ओ टी लाइन और ओ पी लाइन ये हमारे पास जो है गिवन भी नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरली पिथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज उसके साथ ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं ये बेस है, ठीक है, या ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पिथागोरस थ्योरम क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज कौन सी लाइन है, ओ पी, ठीक है, ओ पी लाइन जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसका ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर, ठीक है, उसके अलावा इज इक्वल टू, ये हम ऐसा करते हैं कि अच्छा चलें ओ पी का स्क्वायर हो गया, उसके अलावा बेस क्या है, हमारे पास बेस है पी टी, पी टी इसका भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ टी इसका स्क्वायर, यानी कि ये मैं पिथागोरस थ्योरम में यहाँ पर मैंने पुट किया, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये क्या है पिथागोरस थ्योरम है, या आप छोटी क्लासेस में जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब हमें रिक्वायर्ड क्या था, हमें रिक्वायर्ड है पी टी डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसे हम, या टेंजेंशियल डिस्टेंस आप जिसे कहेंगे,
तो पीटी के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पीटी किसके इक्वल आ जाएगा, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ टी का स्क्वायर। मतलब कि मैं इस ओ टी को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास जो है पी टी डिस्टेंस इक्वल टू ये आ जाएगा। यानी कि अभी तक ये स्क्वायर है, तो हम इसको दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेकर इसको जो है पी टी डिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा पी टी इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये पी टी डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल है। अच्छा, अब ओ पी किसके इक्वल है, ओ टी किसके इक्वल है, ये यहाँ से हम, ओ पी क्या है, ओ और पी जो है ये आप देख सकते हैं पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्कल के दरमियान डिस्टेंस है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमने खुद से लिए हुए हैं, ठीक है, जनरलाइज किए हुए हैं एक्स वन और वाई वन, और जो है सेंटर ऑफ सर्कल के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं माइनस सी माइनस एफ। तो हम इस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओ पी का फिर डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक्स वन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, एक्स वन इसका पी का एक्स कोऑर्डिनेट है और माइनस जी जो है वो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल है। तो इन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस क्या बनेगा, एक्स वन माइनस इंटू माइनस ऑफ जी, एक्स वन माइनस इंटू माइनस ऑफ जी, माइनस ऑफ जी इसका स्क्वायर। मतलब कि हम इसे कह सकते हैं एक्स वन प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो वाई कोऑर्डिनेट से जो है पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई वन है और सेंटर ऑफ सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ है, तो इन दोनों का डिफरेंस वाई वन प्लस एफ बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, ओ पी फाइंड आउट करने के लिए। ओ पी की जगह उसका आ गया हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, मैंने अप्लाई कर दिया, ओ पी हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद माइनस ओ टी, अब ओ टी क्या है, ओ टी भी हम देख लेते हैं। ओ टी जो है ओ से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का डिस्टेंस है। अगर आप देखें तो टी पॉइंट जो है वो बाउंड्री ऑफ सर्कल पे लाया कर रहा है, ठीक है। जो पॉइंट बाउंड्री ऑफ सर्कल पे लाया कर रहा है उसका अगर हम सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करें तो वो डिस्टेंस क्या बनता है, वो डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो ये रेडियस भी है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के मुताबिक क्या बनता है, ये हम पहले बहुत बार देख चुके हैं, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी रेडियस ऑफ सर्कल का यानी कि वो वैल्यू बनती है या फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इसके ऊपर होल स्क्वेयर रूट पहले से मौजूद है तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने सिंपली इस स्टेप में क्या किया कि ओ पी का डिस्टेंस यानी कि फाइंड किया और ओ टी का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इसका यानी कि स्क्वेयर्स ओपन करेंगे, चलें ओपन करते हैं। एक्स वन का स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, जी के ऊपर स्क्वेयर नहीं है बल्कि जी के ऊपर होल स्क्वेयर है, ठीक है। एक्स वन स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस टू एक्स वन जी। अब इसी तरह से इसका भी होल स्क्वेयर ओपन करें, वाई वन स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस टू वाई वन एफ, ठीक है। इसी तरह से माइनस, अब इसकी भी ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, माइनस जी स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर प्लस सी, इसके ऊपर होल स्क्वेयर रूट हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो पी टी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जी स्क्वेयर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव जी स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से एफ स्क्वेयर जो है ये पॉजिटिव है और माइनस एफ स्क्वेयर के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी टर्म्स हमारे पास क्या बन रही हैं वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं दोबारा से, एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं टू जी एक्स वन, हम इसे कह सकते हैं टू जी एक्स वन, इसी तरह से इसको हम टू एफ वाई वन कह सकते हैं, ठीक है, और प्लस सी, और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट मौजूद है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है टू द सर्कल वो इसके इक्वल है, या टेंजेंशियल डिस्टेंस जो है, टेंजेंशियल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो इक्वल है एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर
प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी का स्क्वायर रूट इसके इक्वल है, ठीक है। तो टेंजेंशियल डिस्टेंस ही हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था, उसका फार्मूला आपके सामने आ चुका है, जो कि एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, यानी कि एक्स वन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, यानी कि ये आपके पास जो पी पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर। वाई वन अब यहाँ पर क्या है, वाई वन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट है, ठीक है, जिससे टेंजेंट जो है वो इनिशिएट हो रहा है। उसके बाद टू जी एक्स वन, एक्स वन यहाँ पर और वाई वन भी वही यानी कि वैल्यूज़ हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। और जी एफ और सी क्या है, जी एफ और सी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से आप देख सकते हैं कि जी जो है वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, ठीक है, या फिर हाफ ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, और एफ जो है वो हाफ ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ वाई है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी हम एक छोटी सी एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है ये तो हमने जनरलाइज फार्मूला देखा है, हम स्पेसिफिकली एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव वाई स्क्वेयर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। और हमने यानी कि एक पॉइंट से टेंजेंशियल डिस्टेंस फाइंड करना है इस सर्कल तक, ठीक है, तो पॉइंट भी हम ले लेते हैं एक माइनस फाइव टेन, ये एक पॉइंट है और ये सर्कल है, ठीक है। सपोज जिस तरह से हमने बात की थी कि ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं माइनस फाइव और टेन हैं पॉइंट के, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एग्जैक्टली सर्कल ही बना देते हैं ताकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये सर्कल है और ये पॉइंट मौजूद है, ठीक है, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट ले आते हैं, ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये टेंजेंट यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, ठीक है, ये टेंजेंशियल डिस्टेंस कहलाता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हम ऊपर देख चुके हैं, इसका फार्मूला हमें पता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, उसको हम यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पूरी इक्वेशन को फाइव से मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम वन बना सकें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर्टीन ओवर फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व ओवर फाइव वाई माइनस टेन ओवर फाइव, यानी कि वो ये बन जाता है टू, तो माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, फाइव से मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे, आप देखें, जब हमने टेंजेंशियल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पर जो है जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और एफ़ की वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। तो जी और एफ़ की वैल्यू हम तभी, या टू जी और टू एफ़ की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन हो। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि ये टू जी के इक्वल है, ठीक है, ये टू जी की वैल्यू है और ये 2f की वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर अपने जो है फार्मूला में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहीं पे फार्मूला लिख लेता हूँ, फार्मूला हमारे पास जो है वो है एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी का स्क्वेयर रूट, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब x1 हमने कहा था कि पॉइंट का, ये पॉइंट अगर ये P है तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, P x1 जो है x कोऑर्डिनेट का, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस फाइव का स्क्वायर ये बन जाएगा। उसके बाद y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये 10 जिसकी वैल्यू है तो 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 2gx1। अब 2g हमने पहले चाहिए था, ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसमें से 2g हमने देखा कि 14 ओवर 5 उसकी वैल्यू बन रही है, 2g की वैल्यू 14 ओवर 5 है, यहाँ पर हम 14 ओवर 5 पुट कर देते हैं और साथ में जो है x1 है, x1 यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ये माइनस फाइव इसका पॉइंट का, यानी कि इस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट है, तो प्लस 2f, 2f की वैल्यू हमने चाहिए थी जो कि 12 ओवर 5 है, 12 ओवर 5 इनटू
y1 जो है y कोऑर्डिनेट है, तो ये जिसकी वैल्यू 10 है ये भी हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस c, c आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये c की वैल्यू है, तो प्लस बल्कि -2 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम -2 लिख देते हैं। तो इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 133, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 133 आ रहा है। तो ये है टेंजेंशियल डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। टेंजेंशियल डिस्टेंस हमने इसको फिगर के साथ भी समझा कि कौन सा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये डिस्टेंस जो बन रहा है पॉइंट पी से लेकर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक भी कवर होता है और हमारा लेक्चर का टाइम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे।